यहां पर अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि सपोज अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है इंटीजर ए इक्वल टू 13। आप देखिए जब भी हम C++ में किसी इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन हम तीन टाइप से कर सकते हैं। मतलब या तो हमारा डेटा डेसिमल होगा या ऑक्टल होगा या हेक्साडेसिमल होगा, राइट। तो पहले हम ये बात करते हैं इसके भी पहले कि डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल किस टाइप के नंबर्स होते हैं। तो यदि आपने कंप्यूटर फंडामेंटल थोड़ा सा पढ़ा है तो शायद आपको पता होगा कि बॉस देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन कंप्यूटर्स लाइक ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल, चौथा बाइनरी होता है। लेकिन यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल के, राइट। ऑक्टल वो नंबर होते हैं जिनकी रेंज होती है 0 to 7 और जिसका बेस होता है 8, ठीक है, ये कहलाते हैं ऑक्टल नंबर, समझना ध्यान से, राइट। ऐसे नंबर जिनकी रेंज होती है 0 to 9 और जिनका बेस 10 होता है ये कहलाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर, दीज आर कॉल्ड डेसिमल नंबर, राइट। और ऐसे नंबर जो 0 to 15 होते हैं, राइट, और जिनकी बेस 16 होती है ये कहलाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, दीज आर कॉल्ड हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये कहलाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। लेकिन अब यहां पर आप समझना, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं इन हेक्साडेसिमल नंबर में, मतलब देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर इन कंप्यूटर, ऑक्टल डेसिमल बाइनरी एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल, राइट। लेकिन यहां पर आप समझिए अगर कोई नंबर 0 to 7 के बीच में है और अगर उसकी बेस 8 है और अगर आपने उसको ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो वो कहलाएगा ऑक्टल नंबर। अगर नंबर 0 to 9 की रेंज में है और अगर वो डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है तो वो कहलाएगा डेसिमल नंबर, एंड सिमिलरली हेक्साडेसिमल नंबर।